मध्य प्रदेश के लीज पर कथित उत्तर प्रदेश के पहाड़ियों को खनन माफिया अवैध खनन करा रहे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित दुल्ला पाथर के झिंगुर्दा पहाड़ियों से अवैध तरीके से मध्य प्रदेश के लीज पर उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों से अवैध खनन कर पहाड़ियों को बंजर किया जा रहा है। सोनभद्र और सिंगरौली औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लालच में खनन माफिया क्षेत्र के पहाड़ों को कब बंजर भूमि में तब्दील कर दिए, इसका पता इसी बात से लगाया जा सकता है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन अब इसका अस्तित्व सिमटने लगा है। खनन माफिया इसे अपने अनुसार इस्तेमाल करते हैं। सिंगरौली क्षेत्र के तुल्ला पाथर झिंगुर्दा पहाड़ियों पर खनन के लिए प्राप्त लीज पर मध्य प्रदेश के बजाय उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाले पहाड़ियों को पोकलेन मशीन लगाकर ज्यादा पैसे कमाने की चाहत में खनन माफिया पहाड़ों का अस्तित्व ही खत्म कर दे रहे हैं। क्यों है खनन माफियाओं के सामने खनन अधिकारी नतमस्तक? यहां पर सिंगरौली क्षेत्र के एक व्यवसायी द्वारा लीज पर प्राप्त भूमि को अवैध तरीके से खनन कराया जा रहा है। खनन कार्य में मजदूरों की जान भी जोखिम में डालकर बिना सुरक्षा उपकरणों के पत्थरों को तोड़वाया जा रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश के ओबरा के अंतर्गत खनन क्षेत्र के खदानों में कई बार मजदूरों की कथित पहाड़ी दरकने से मौत हो चुकी है, जिसे अब तक दोनों क्षेत्र के खननकर्ता सबब नहीं ले रहे हैं। कार्यवाही और जांच के नाम पर कोरम पूरा किया जा रहा है और मजदूरों की मौत के लिए जिम्मेदारों पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। तभी तो मजदूरों की जान जोखिम में डालकर धड़ल्ले से खनन और पत्थरों को तोड़वाया जाता है। सूत्रों के अनुसार पत्थरों को तोड़ने के लिए चट्टानों के नीचे ब्लास्टिंग भी की जाती है। कथित ग्रामीणों का आरोप है कि खननकर्ताओं को प्रशासन का जरा भी भय नहीं। तभी तो खुलेआम पत्थरों के खनन के साथ परिवहन कराया जाता है। क्षेत्र में पहाड़ियों का वजूद अब सिमटता जा रहा है। वर्षों पहले जो पहाड़ियां नजर आती थी, अब समतल भूमि में बदलती जा रही हैं। अवैध खननकर्ता जहां कम समय में धन कुबेर बन रहे, वहीं सरकार के खजाने इनकी वजह से खाली होते जा रहे। बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसके संरक्षण में इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है और जिला प्रशासन खनन विभाग मूकदर्शक बना हुआ है, जबकि तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि खनन अवैध तरीके से हो रहा। स्थानीय लोगों ने इसकी जांच कराकर इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। सोनभद्र खनन अधिकारी से मामले में जानकारी लेना चाहा तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया, जिस कारण उनसे जानकारी नहीं मिल सकी है। अपडेट मीडिया के लिए सोनभद्र से उमेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।